भोपाल के दर्शन करने पड़े हैं, मतलब तो आपके जो दर्शन है वो अधूरे हैं। मज़ा ही आ गया गंगा आरती देख के, और गंगा आरती देख के तो हो छोड़ के ना, कोई भी मनाली मसूरी है जितनी भी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है उसे छोड़ के आप एक बार काशी आओ। तो गाइस रेडी हो गए हैं होटल में नहा धो के, अब जाएंगे बाबा के दर्शन करने काशी विश्वनाथ टेम्पल, और वहाँ शाम की आरती दिखाऊंगा आपको, और वहाँ पे जितने भी मंदिर हैं काल भैरव के हनुमान जी के सबके मंदिर के दर्शन कराऊंगा। मज़ा आ रहा, बहुत बढ़िया मार्केट है, मज़ा ही आ गया है यहाँ आके। तो बाकी आपको दर्शन कराता हूँ, घुमाता हूँ पूरी मार्केट। गाइस ये देखो चौराहे पे तो आ गए हैं, बाकी अब यहीं से रास्ता है जाने का, और इतनी बढ़िया रौनक हो रही है ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया रौनक हो रही है। अब जा रहे हैं सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ के दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर आरती जरूर लेनी है 6:30 बजे की, जो घाट पर आरती होती है ना वो आपको दिखाऊंगा। उस आरती के बाद इतना मज़ा आ जाएगा ना आपको देख के। ये देखो यार मेरा भाई तैयार होके एकदम चल दिए, और ये जो गली अब आएगी ना ये मार्केट वाली, इसका तो कुछ कहना ही नहीं। मस्त मज़ा आ रहा है, मस्त मार्केट बहुत बढ़िया है। मार्केट के अंदर की लाइटनिंग है ना वो गजब है। हाँ प्रॉपर, मतलब और भी शिमला मनाली के जो माल रोड होते हैं ना, मेरे को तो वो फेल लग रहे हैं इनके आगे। गाइस मैं तो आपसे कहूँगा कभी भी अगर आपको कोई वीकेंड हो कहीं घूमने का मन कर रहा है ना, तो कहीं ये शिमला विमला मसूरी वसूरी को छोड़ के आप एक बार काशी विश्वनाथ जरूर आना वाराणसी, अलग ही मज़ा। गाइस देखो विश्वनाथ गली चल रही है, गाइस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक तो इतने पहले से ना ये लॉकर वगैरह वाले बंदे मिल गए हैं कि यहाँ लॉकर है लॉकर है। ये है गली काशी विश्वनाथ की, बाकी अभी के जो शाम के मेन जो है ना वो है शाम की आरती, बाकी अब ये देखते हैं कि दर्शन क्या कैसे होते हैं। गाइस बहुत बढ़िया मज़ा आया बोटिंग करके, यहाँ देखिए बहुत बढ़िया बोटिंग होती है, और पता है अलग अलग तरीके से होती है, मतलब कई सारे 40 घाटों की बोटिंग भी होती है, तो सबके अलग प्राइजेज होते हैं, तो जिस तरह से आपको बोटिंग करनी है आप उस तरह से करना, और उसी हिसाब से आप प्राइस का बार्गेन भी कर सकते हो, कोई फिक्स प्राइस नहीं है, आप बार्गेन भी कर सकते हो, और यहाँ पर आके बोटिंग करना बहुत मज़ा आता है। गाइस आप सोच रहे हैं कि या तो 3 से 4 बजे वाली जो मंगल आरती है वहाँ पे स्पर्श दर्शन करें, या सिर्फ अभी चले जाएं और अभी दर्शन करके आ जाएं बाबा के, तो आप देखते हैं जैसे भी होता है वैसे करेंगे, और आपको दिखाऊंगा।